आपका फोन मिल सकता है एक मिनट के लिए प्लीज? ना दूं तो? काफी शर्मीले टाइप लगते हो। शर्मीला नहीं हूँ, एक्चुअली परेशान हूँ। मेरी बैटरी डाउन हो गई है ना। आई मीन मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई है। समझ गई। ओके थैंक यू। चाचा का नंबर भूल गए? नहीं 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 याद है। कुसुम चाची आप? अज्जू जी। तुम अज्जू हो? जी। अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके। कितने हैंडसम हो गए हो तुम, और कितने बड़े भी। चाचा लेने नहीं आए? वो काम में बिजी हो गए थे। मैं इसमें क्या है, चलो अब घर चले। हाँ मैं उठा लूंगा, चलिए चलो। आओ अंदर आओ। थैंक यू चाची। आपका घर तो बहुत ही सुंदर है। रियली? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कैसा लगा रूम? कमरा तो बहुत ही सुंदर है। और मैं? चाची। बड़े शर्मीले हो तुम। अच्छा एक काम करो, नहा धो के रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लेके आती हूँ। भूख लगी होगी ना? अरे ये क्या है? ये माँ ने बेसन के लड्डू भेजे हैं। बेसन के लड्डू मेरे फेवरेट है। खोलो खोलो ना जी। ये लीजिए। तुम्हें क्यों नहीं खिला देते हो प्लीज? ओके। बहुत टेस्टी है, एक और खिलाओ ना प्लीज। क्या हुआ? प्लेटफॉर्म पे तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे मुझे देख देख कर, अब क्या हुआ? समझी। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारी चाची ना होती तो? जी कुछ समझा नहीं। अच्छा इतने बुद्धू तो नहीं दिखते तुम मुझे। अच्छा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तुम जैसे हैंडसम लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मैं मान ही नहीं सकती। गाँव में ये सब नहीं होता। गाँव में क्या सब नहीं होता? जी कोई बात नहीं, नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, तुम्हारी मर्जी। अब तक तो आप लोग कुसुम की मंशा समझ गए होंगे। ये चौंका देने वाली बात है कि ज्यादातर शारीरिक शोषण के केस में करीबी रिश्तेदारों का हाथ होता है, पर उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते या फिर
उन्हें दर्ज नहीं किया जाता। वैसे पुरुषों के यौन शोषण की घटना सुनने को कम मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं कम होती हैं। समाज के नजरिए और किसी पुख्ता कानून के ना होने से इस अपराध के लिए सजा नहीं मिलती। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस जुर्म में अपराधी का पलड़ा भारी रहता है। कुसुम जैसी औरतें अपनी वासना की भूख को शांत करने की कोशिश में सही और गलत का फर्क भूल जाती हैं और किसी को भी अपना शिकार बना लेती हैं, चाहे वो उसका 18 साल का नौजवान भतीजा ही क्यों ना हो। वो अपने भतीजे अजय के जीवन में ऐसी अमित छाप छोड़ने वाली थी जिससे शायद अजय जीवन भर ना उभर पाए या फिर अजय इस अपराध से लड़ने के लिए हिम्मत जुटा पाएगा। आइए देखते हैं। तुम खाना शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए और गर्मा गर्म पराठे बनाकर लेकर आती। अरे अभी तक खत्म नहीं किया, ये लो। मैं कर देती हूँ। ठीक है। अरे नहीं नहीं चाची, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? तुम जैसे जवान लड़के के शरीर में एक पराठा कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम्हें और स्ट्रांग होने की जरूरत है। मेरा मतलब है कि इतनी पढ़ाई जो करनी है तो फिर खाओ ना। मैं खिलाऊं? नहीं नहीं मैं खा लूंगा। मैं खा, इतने छोटे छोटे कौर से क्या होगा। चलो वो खोलो, वो खोलो। अरे आप आ गए? हाँ बस अभी अभी आया हूँ। देर हो गई आज आपको? हाँ ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था और फिर ऑफिस की एक पार्टी थी तो खाना वहीं पर खा गया। ओ अजू कहाँ है? वो तो सो गया आपका इंतजार करते करते। ओ गांव में लोगों को जल्दी सोने की आदत है ना, शायद इसलिए। मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ मुझे भी बहुत थकान हो रही है, सो जाऊंगी। तुम चलो मैं चेंज करके आता हूँ। चाची? क्या चाची चाची करते रहती हो? चाची यार। चाची तुम्हारे चाचा तैयार हो गए, तुम भी रेडी हो जाओ। जी चाची।
ये लीजिए, ये हॉस्टल का फॉर्म भर दीजिए। जी इसकी कोई जरूरत नहीं, हॉस्टल में तो वो लोग रहते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। इसका तो अपना घर है यहाँ पे, ये हमारे साथ ही रहेगा अपने घर पे। ये लीजिए। ठीक है, तो फिर आप ये लोकल गार्डियन का फॉर्म भर दीजिए। जी फर्स्ट ईयर। हाँ मैकेनिकल। राइट ग्रेट। इस बैच के तुम पहले हो, आई मीन सेम क्लास में। हाय आई एम आनंद। आई एम अजय। तो तुम इसी शहर से हो? नहीं। ओह तो इसका मतलब हम हॉस्टल में एक साथ रहेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने चाचा जी के साथ रहूंगा। सही है बॉस, चले। आनंद ये मेरे चाचा जी हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। और चाचा जी ये आनंद है मेरा क्लासमेट। क्लासमेट स्कूल का? नहीं नहीं नहीं, यहीं मिला। अरे वाह, पहले दिन आते ही दोस्त बना लिया, गुड। नेक्स्ट। यस सर। नाइस टू मीट यू ब्रो। सेम। यार तुम बहुत लक्की हो जो अपनों से दूर रह के भी अपनों के करीब हो। बाय। हो गए एडमिशन इंजीनियर साहब, अब जम के पढ़ाई करना। अजू मैं तुम्हें घर छोड़ देता है लेकिन मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, तुम घर अकेले चले जाओगे? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो चाची को फोन कर लेना, ठीक है? जी शाम को मिलते हैं। ओके बाय। बाय। कुछ नहीं। मेरा मतलब है एडमिशन हो गया? जी। अजय जी प्लीज यहां। इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास आओ ना। जी बताइए। मेरी हेल्प कर दोगे थोड़ी प्लीज? जी ये थोड़ा निचोड़ना है। सुना है कि बचपन में पानी देखकर तुम कपड़े उतार दिया करते थे, अभी भी करते हो क्या? वैसे शर्माओ मत, मन कर रहा है तो। ये हो गया आपका? इस जादू से तो कोई नहीं बचा, देखती हूँ तुम कब तक बचते हो। Thank you.
वैसे नहीं तो ऐसे मानेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम जानबूझ कर आए हो ना? नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो झूठ मत बोलो, इतनी जोर से तुमने धक्का मारा कि कुंडी टूट गई, बेवकूफ समझ रखा है क्या? क्या हो गया मुझसे? अजय, अजय, तुम यहां आओगे या मैं वहां आऊं? क्या कर रही हैं आप चाची? चाची आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? अभी थोड़ी देर पहले तो इतने उतावले हुए जा रहे थे कि दरवाजा तोड़कर अंदर घुसाए, और अब नहीं नहीं, नाटक कर रहे हो? वो सब मैंने जानबूझ के नहीं किया था। किसे पता कि जानबूझ के किया था या नहीं? हाँ चाची, पर तुम्हारी ये बात तुम्हारे चाचा को पता चलेगी तो तुम्हें पता है ना कि क्या करेंगे वो तुम्हारे साथ। इसलिए जैसा कहती हूँ वैसा करो। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सर। पांच मिनट में गुड इवनिंग होने वाला है, क्या चाहिए जल्दी बोलो। एक हॉस्टल चाहिए सर। हॉस्टल क्या, मैं जिम में लिए घूमता हूँ। मेरा मतलब सर एक हॉस्टल का फॉर्म चाहिए। हाँ तो ऐसे बोलो ना, नाम बताओ क्या है? अजय श्रीवास्तव। अजय श्रीवास्तव जी, तुम तो अपने चाचा के साथ रहते हो ना? हाँ। तो फिर तुम्हें हॉस्टल क्यों चाहिए? वैसे भी हमारे यहाँ हॉस्टल की बहुत मारा मारी है। वो एक्चुअली मेरे चाचा का तबादला हो गया है, वो अगले हफ्ते यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्म कल भरकर लेके आना, अभी काउंटर बंद होने का टाइम हो गया है। सर आप मुझे एक पेन दीजिए, मैं दो मिनट में भर के अभी आपको देता हूँ। जल्दी से कोई फायदा नहीं होने वाला है, वैसे भी महीने दो महीने में हॉस्टल नहीं मिलने वाला है, वेटिंग लिस्ट है। से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, नाराज हो? अरे नालायक, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? प्रणाम भैया। बहुत तुम खुश रहो, खुश रहो। ये अज्जू कहाँ है? बहुत देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका उठा नहीं रहा। शायद वो दूसरे रूम में होगा। अच्छा बहू, विनय बता रहा था कि अज्जू ने हॉस्टल में रहने के लिए अप्लाई किया है। तो क्या इस बारे में तुमसे बात की है उसने? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मतलब इतना बड़ा फैसला खुद ही ले लिया, ठीक है अच्छे से खबर लेते हैं उनकी हम। अरे आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है भैया, वो क्या है ना, आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। वो क्या है ना कि आजकल आजादी की इतनी आदत हो गई है कि बंदिशों में वो रहना ही नहीं चाहते। पर आप चिंता मत कीजिए, अजय से मैं बात करूंगी, अजय मेरी बात नहीं टालेगा। भैया अजय आ गया है, बात करेंगे? दो, दो, दो जरा नालायक को फोन दो।
प्रणाम बाबूजी। खुश रहो, वो तो अच्छा हो गया कि बहू से हमारी बात पहले हो गई और हमारा जो गुस्सा है ठंडा हो गया। दोबारा जब तुमने हॉस्टल हॉस्टल की बात की ना तो बस। बाबूजी आप समझ नहीं रहे, ये घर कॉलेज से बहुत दूर है, हॉस्टल हमारे लिए सही रहेगा। अरे हम सब जानते हैं कि हॉस्टल में तुम अपनी अय्याशियों के लिए जाना चाहते हो, समझे ना। बाबूजी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक बार कहा ना हमने कोई हॉस्टल नहीं, अगर तुमको वहाँ मन नहीं लग रहा है ना तो घर वापस आ जाओ, हम लोग है यहाँ पर। आप समझ नहीं रहे बाबूजी। क्या हुआ, फोन कट गया? वैसे तुम्हें अपने चाचा से भी माफी मांगनी चाहिए। नाराज है वो तुमसे? चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। चाचा जी मैं दोबारा हॉस्टल जाने की बात नहीं करूंगा। अच्छा तुमने हॉस्टल जाने की बात करके हमें एक पल में पराया कर दिया और अब यहाँ मुझसे माफी मांगने आए। तुम्हारी चाची कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा, तुम्हें आखिर यहाँ रहने में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है चाचा जी, दोबारा माफी मांगता। देखो जो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, अपनी चाची को बताओ, हम उसका सलूशन निकालेंगे। मेरी बात मानने से जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। एक काम करना, कल कॉलेज मत जाना, कल हम पूरा दिन मजे करेंगे। जिस चाची को हमारे समाज में मां सम्मान माना जाता है, जिसे अपने भतीजे को हर मुसीबत से बचने का रास्ता दिखाना चाहिए था, वही चाची उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। अजीब बात है पर ना जाने समाज ने ऐसी धारणा क्यों बना रखी है कि पुरुष के साथ बलात्कार या शारीरिक शोषण हो ही नहीं सकता। समाज की इसी मान्यता का पूरा फायदा उठाती हैं कुसुम जैसी औरतें और बेखौफ होकर अपने जुर्म को बार बार अंजाम देती हैं। तो क्या अजय अपनी चाची के चंगुल से मुक्त हो पाएगा? क्या उसे अपने चाचा के सामने दोषी साबित कर पाएगा या यूं ही घुट घुट कर जीता रहेगा? आइए देखते हैं। अज्जू तुमने जो किताब मंगाई थी वो मैं ले आया। थैंक यू चाचा जी। क्या बात है, इतने उदास क्यों? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं चाचा जी। समझा, गांव की याद आ रही होगी है ना? जानते जब शुरू शुरू में मैं गांव से शहर आया था तो मुझे भी ऐसे ही लगता, दो तीन महीना तो मन किया कि शहर छोड़ के वापस गांव भाग जाऊं। फिर धीरे धीरे मेरे दोस्त बने, शहर अच्छा लगने लगा, कॉलेज अच्छा लगने लगा। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे ये शहर तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा, फिर गाँव जाने का मन ही नहीं करेगा तुम्हें। मैं भी इसको यही समझा रही। वही लगता है जनाब का मूड चेंज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हाँ, और ड्राइव के साथ साथ इसकी शॉपिंग भी। अरे भाई ये शहर आया है, शहर जैसे कपड़े तो पहनने चाहिए ना इसे। बात तो सही है, चलो चलो। बाहर आने का फायदा अजू ज्यादा तुम्हें हुआ है, उससे ज्यादा शॉपिंग तो तुमने कर ली है। अच्छा तुम लोग यहीं पे रुको, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। ओके। इतने अच्छे लग रहे हो, थोड़ा सा मुस्कुराओगे तो और अच्छे लगोगे। अजय क्या बात है यार, तू तो एकदम डिफरेंट दिख रहा है, लुकिंग ग्रेट यार। थैंक यू। क्या बात है अजय, नए शहर में आके नए दोस्त भी बना लिए और तुमने मैं बताया तक नहीं।
चलो कोई बात नहीं, हम खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मैं अजय की चाची हूँ, यू कैन कॉल मी आंटी। नमस्ते आंटी। चाचा जी से तो बहुत पहले ही मुलाकात हो गई, आज आपसे भी मिलना हो गया। अज्जू तू तो बहुत लकी है यार। वैसे यहाँ कहाँ रहते हो तुम? जी हॉस्टल में। घर की तो बड़ी याद आती होगी ना तुम्हें? जी कभी कभी। कोई बात नहीं, जब भी घर की याद आए सीधे हमारे पास आ जाना, तुम्हें घर की कमी महसूस नहीं होने देंगे, है ना? जी जरूर आऊंगा। गाड़ी आ गई है, चलो। ओह ठीक है अज्जू, तेरे से कॉलेज में मिलता हूँ। ओके टेक केयर। जिस पे तूने बुरी नजर डाली वही तुझे बचाना चाहती है, आज उसके कहने पे तुझे छोड़ रहा हूं, वरना तुझे जेल की हवा खिलाए बिना नहीं मानता मैं। अपना सामान उठा और निकल यहां से। आज के बाद इस घर के आसपास भी दिखाना तो जान से मार दूंगा। करने के लिए तुम शहर गए थे? नाक कटवा दिया तुमने हमारा। अगर तू मेरे पास होता ना बस गला घोट देता तेरा। बाबूजी अब मेरी बात तो सुनिए बाबूजी। अरे मर गया तू हमारे लिए, आज से तेरा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है बाबूजी। अरे कहाँ है तू? तू आज भी क्लास नहीं आया? हेलो हेलो अजय भाई, कुछ हुआ क्या? बोल तो सही। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। जगह?
आ जा यार, आ। अजय सुन, यहाँ बैठ, बैठ मेरे भाई। भाई अचानक तुझे ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुझे घर छोड़ना पड़ा? यार बोल तो सही। अच्छा नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने प्रॉब्लम शेयर करने से मन हल्का होता है। यार कहीं बाहर चलते हैं ना? अरे हाँ यार, मॉर्निंग क्लास के वजह से अच्छी चाय भी नहीं पी, चल चलते हैं। ये क्या बोल रहा है यार तू? वो ऐसे कैसे कर सकती है? तेरी चाची इतनी अच्छी है, इतनी केयरिंग है। सबको यही लगता है कि वो अच्छी है, केयरिंग है, पर उसके दो रूप हैं, एक स्वीट और एक बहुत ही कड़वा, जिसे सिर्फ और सिर्फ मैंने झेला है। ऐसे कैसे यार, मैं नहीं मानता। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुझे? कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा? वहां घर वालों ने सारे नाते तोड़ दिए, चाचा ने घर से निकाल दिया, कैसे यकीन दिलाऊं? अगर ये बात है तो चल पुलिस कंप्लेन करते हैं। तुझे क्या लगता है पुलिस मेरी बात मानेगी? अजय की जिंदगी उसकी अपनी चाची ने तबाह कर दी। उसकी चाची की वजह से बाकी के परिवार वालों के लिए भी वो मर चुका था। अपने परिवार वालों के नाता तोड़ लेने के बाद वो बिल्कुल ही अकेला हो गया था। अपनी वासना की भूख में कुसुम ने एक मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली, जिसके लिए कोई भी सजा काफी नहीं है। लानत है कुसुम जैसे लोगों पर जो कि एक जिंदगी के शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देती हैं। क्या अजय कुसुम की सच्चाई सबके सामने ला पाएगा? नमस्ते आंटी। आनंद जी, आंटी अजय घर पर है? आंटी मत कहो, और अजय घर पे नहीं है। अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो। वो एक्चुअली अजय 2-3 दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आके पता कर लूं। अजय ना कितना ख्याल रखते हैं हम उसका, पता नहीं क्या हुआ उसे, वो घर छोड़कर चला गया। पता नहीं किस हालत में होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, क्यों तुम लोग। प्लीज आप मत रोइए, प्लीज। ये हुआ कब? बस यही कोई 2-3 दिन पहले। खैर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, उसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। क्या खामोखा के बात लेके बैठ गए ना हम, ना चाय पूछा ना पानी, क्या लोगे? एक ग्लास पानी मिलेगा? हाँ लाती हूँ। थैंक यू। आपका घर बहुत खूबसूरत है, क्या मैं पूरा घर देख सकता हूँ? सच? तुम्हें पूरा घर देखना है या सिर्फ मेरा बेडरूम? चलो क्या सोच रहे हो, I'll be back.
हाँ कुसुम बोलो। चाचा जी मैं अज्जू। तुम्हारे पास कुसुम का फोन कैसे आया? मैं आपके घर पे हूँ चाचा जी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अगर कुसुम को कुछ भी हुआ ना मैं तुझे जान से मार दूंगा समझा। हेलो कैसी लग रही हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना कैसी लग रही? अच्छी लग रही। अच्छी या बहुत अच्छी? तेरी इतनी हिम्मत? चाचा जी अगर मैं आज हिम्मत नहीं दिखाता तो जिंदगी भर घुटता रहता। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे जान से मार दीजिएगा, लेकिन पहले सच्चाई अपने आंखों से तो देख लीजिए। जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जाओ। डिवोर्स पेपर्स मैं भिजवा दूंगा। जैसे जी मुझे माफ कर दीजिए, सामने लाने के लिए मुझे ये घिनौनी हरकत कर। बेटा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, अपनी पत्नी की बातों में आकर मैंने इस तक जानने की कोशिश ही नहीं की। सके तो मुझे माफ। चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं? चाचा आप बड़े हैं, माफी मैं मांगूंगा। इस जुर्म के खिलाफ सशक्त कानून बनने की सख्त जरूरत है, ताकि जिन पुरुषों के साथ ये अपराध, या यूं कहें कि जिनके साथ भी अत्याचार हुआ है, उन्हें भी न्याय मिल सके। रिश्तेदारों से बनता है परिवार, पर कुसुम जैसे लोग वासना की भूख में रिश्तों की मर्यादा को भूलकर ऐसे दुष्कर्म कर जाते हैं जिससे परिवार सदा सदा के लिए टूट जाते हैं। कुसुम के लिए तलाक उतनी बड़ी सजा नहीं जितनी की उसे मिलनी चाहिए थी, पर कम से कम घर से उसे निकाला जाना इस बात का सबूत है कि बुरे लोगों के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं। वैसे सच कहूं तो ऐसी औरतों को चाची कहलाने का कोई हक नहीं जो माँ बेटे जैसे इस पवित्र रिश्ते को बदनाम करती हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और उनसे सतर्क रहिए। अब मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूँ, फिर होगी मुलाकात ऐसी एक और चौंका देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए।